बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 11 पढ़ना है जी, सर्जेंट टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से। तो आपको पता है, अब हमने एवरीडे साइंस को स्टार्ट किया हुआ है। तो एवरीडे साइंस के हमारे पास बेसिकली चार टॉपिक्स होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है जी, हमारे पास चार टॉपिक्स होते हैं आपके एवरीडे साइंस के वाले से। इससे पहले हमने ज्योग्राफी को मुकम्मल किया, अभी इंशाल्लाह ताला 8 से 10 लेक्चर से हम एवरीडे साइंस को मुकम्मल करके इसके फौरी बाद हम जो है ना अपने कोई और सब्जेक्ट्स इंग्लिश वगैरह स्टार्ट करेंगे। इसके साथ जो है ना एवरीडे साइंस के साथ साथ इंशाल्लाह हम करंट अफेयर और जीके का पोर्शन भी, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला मंडे से आपका स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है जी, तो यूँ हमारे आप दो सब्जेक्ट साथ साथ लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो एवरीडे साइंस का हमने इन्वायरमेंटल साइंस को मुकम्मल कर लिया था, आज हमने स्टार्ट करा जी बायोलॉजी। ठीक है जी, बायोलॉजी को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 4 से 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करके, तो नेक्स्ट हम फिजिक्स या केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना जी लेक्चर नंबर 11 में जी बायोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है जी, तो बायोलॉजिकल साइंसेज के वाले से आपने ये दो लफ्ज पहले याद करने हैं। ठीक है, बायोलॉजी जैसे लिखा हुआ है BIO और LOGY, बायोलॉजी। ठीक है, और बायो का मतलब होता है जिंदगी, बायो का क्या मतलब होता है जी, जिंदगी। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मुताला, मुताला। ठीक है, तो जिंदगी का मुताला क्या होता है, वो आपके पास बायोलॉजी होती है। ठीक है जी, जिंदगी का मुताला क्या होता है, वो आपके पास है जी बायोलॉजी। अब जिंदगी का मुताला क्या मतलब है कि जो जिंदा जानदार हैं, जो जिंदा जानदार हैं, ठीक है, जो जिंदा जानदार हैं, जो जानदार हैं, जानदार, ठीक है, जिस जिनके अंदर जिंदगी है उनका मुताला, मीन्स क्या, जो जानदार चीज़ें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके पास हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, वो सांस कैसे लेते हैं, उनका खून कैसे दौड़ता है, वो जनाब खाते पीते किस तरह से हैं, कैसे हजम करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, ये सारी की सारी जो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना जानदार चीज़ों की, वो हमने देखनी है बायोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक आपके पास क्वेश्चन बनते हैं पेपर में बायोलॉजी के वाले से, सबसे पहले तो आपके पास है जी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, जो बायोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। बायो का मतलब होता है जिंदगी यानी कि लाइफ, और लॉजी का मतलब है मुताला यानी कि स्टडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपका जो बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछता है। फिर वो पूछता है जी फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहते हैं जी, अरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आज आपके पास है, आपको पता है जो आपके पास जानदार चीज़ें हैं ना, बेसिकली आपके पास तीन चीज़ें जानदार हैं। एक आपके पास हैं पौधे, सबसे पहले आपके पास पौधे हैं, फिर आपके पास जानवर हैं, जानवर हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या जी, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह। ठीक है, ये आपके पास क्या जी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली तीन ही जानदार चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पौधे और जानवर और बैक्टीरिया। ठीक है, अब जानवर, जानवर के कहाँ पे होते हैं, जू में होते हैं, जू में यानी कि चिड़ियाघर में जानवर होते हैं। तो ये इसका मतलब है जानवरों के का मुताला जूआलॉजी कहलाएगा, जूआलॉजी, जूआलॉजी, जू से आपके पास जानवर आपको याद हो जाएंगे। जो लॉजिक मतलब है मुताला, मीन के जो जानवरों का मुताला उसको हम जूआलॉजी कहेंगे, और जो पौधे हैं पौधे, पौधों का मुताला हम बॉटनी कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बॉटनी, बॉटनी। और जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, इनको याद करना आसान है। ठीक है, जू से आपके पास है जी, आपके पास जानवर है, तो जूआलॉजी आपके क्या, आपके पास क्या बन गया जी, आपके पास है जी जानवरों का मुताला, और बॉटनी आपके पास है जी पौधों का मुताला। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जो आपके पास वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह का मुताला क्या, वो आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन पूछता है पेपर में बार बार, क्या जी आपके पास है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है जी, ये बॉटनी आपके पास है, स्टडी ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, आपको पता है प्लांट जो पौधे हैं वो भी आपके पास जानदार होते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है जी, फादर ऑफ बॉटनी ये पूछ रहे था। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, जिसे जैसे हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो सारे के सारे में पूछता आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स ये जू से आप याद कर सकते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान आसान चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, और ये फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल है। ठीक है, अरिस्टोटल जो है ना वो फिर उसको फादर ऑफ जूलॉजी भी हम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मुताला, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास है जी, वो आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का फादर पूछता है लुईस पास्टर, लुईस पास्टर जो है ना आपके पास क्या जी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, असल में टैक्सोनॉमी है क्या, टैक्सोनॉमी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सोनॉमी आर टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एंड अरेंज ऑर्गेनिज्म इन सिस्टमैटिक वे, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड स्टडी। ठीक है, जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म से क्या मराद है, जो आपके पास पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, उनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करके उनका मुताला करना, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं।
एक आपके पास क्या जी, एक आपकी पैडागोजी वाली भी टैक्सोनॉमी होती है बीएड के कोर्स वाली, वो सेपरेट है, बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी ये अलग है, ठीक है। तो ये जो टैक्सोनॉमी का जो फादर है उसको हम क्या कहते हैं जी, कार्लिनस, ठीक है जी। ये आपके पास है जी, ये आज फादर ऑफ जो आप टैक्सोनॉमी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। फिर आपका जो फादर ऑफ बायोनॉमी नॉमनक्लेचर, तो कार्लिनस, ठीक है जी। कार्लिनस जो है ना उसको फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर भी उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये फादर ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मीन नजरिया अर्थ का जो ना, जो वो आपके पास है फादर ऑफ इकोलॉजी का एम्पेडोकल्स, ठीक है जी। तो ये आपने 6-7 आपके पास लाइनें हैं जो आपकी बेसिक बनती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के वाले से, ठीक है। और आपके पास कुछ एब्रीवेशन था जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अभी इसको डिटेल में सारे कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। एब्रीवेशन ये 4-5 बार बार मैंने देखी है पेपर में, ठीक है। mRNA, ठीक है। DNA मीन डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA के राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है जी। CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये आपके पास है 4-5 आपके ये बायोलॉजी के वाले से आपने एब्रीवेशन याद कर लेनी है। फिर आपके पास है लॉजीज क्या जी, लॉजिक का मतलब होता है स्टडी। तो मुख्तलिफ चीज़ों की स्टडी को क्या हम कहते हैं, ठीक है। तो उनके नाम के साथ ये जो जितनी भी ये लॉजी लगी हुई है ना, ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। इसको आपने परेशान नहीं होना ये टेबल देख के, शायद पता नहीं कितनी को मुश्किल चीज़ है, ये बिल्कुल आसान चीज़ें, ठीक है। ये देखें, इसमें तो आपके पास 8-10 लफ्ज़ ऐसे आएंगे जो नाम से हटके आएंगे, बाकी सारे के सारे उसके नेम के साथ ही उसकी लॉजी लगी होगी, ठीक है। ठीक है, हेमाटोलॉजी क्या जो ना आपके पास है, जो देखे ना हेमाटोलॉजी क्या, हीमोग्लोबिन से निकला है, हीमोग्लोबिन क्या होती है, आपके खून की होती है, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या होगी, हेमाटोलॉजी होगी, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, समझ के याद करना है, इसको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। हेमाटोलॉजी हीमोग्लोबिन से निकला, हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड आ गया, ठीक है। हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है जी। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, और आपके फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एलजी, ठीक है। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, तो वायरस से वायरोलॉजी। तो ये आपके पास है, जो भी स्टडी होगी ना उसके नाम से ही उसके अंदर से आपको आंसर मिल रहा होगा, ठीक है जी। नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी आपको पता है नेफ्रोन क्या होती है, नेफ्रोन्स आपकी गुर्दों में होती है ना, नेफ्रोन। अभी हम गुर्दों का पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में जाकर बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेफ्रोन से नेफ्रोलॉजी, ठीक है, समझ आ गया जी। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है जी। उसके बाद पोमोलॉजी स्टडी ऑफ रूट्स है, और ऑर्थिनोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन। तो ये आपने जो मुख्तलिफ स्टडीज है ना, ये मैंने पूरा टेबल लिख दिया, ये बार बार पेपर में पूछता है ये स्टडीज के वाले से, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान चीज़ें, जैसे एरालॉजी, एयर से एरालॉजी, ठीक है। जियो मतलब होता है जमीन, तो जियो से जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है जी। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से आपके पास सेलेस्टियल बॉडीज को एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं। तो ये आपके पास है मुख्तलिफ आपके पास स्टडीज हैं बायोलॉजी के वाले से, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये टेबल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर आपके पास है एनिमल एंड बर्ड्स के वाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर पूछे जाते हैं। पूछा जी लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है, ठीक है जी। ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है फ्लाइटलेस बर्ड, मीन के ये उड़ नहीं सकता, ठीक है। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा, सबसे छोटा कौन सा जी, आपका हमिंग बर्ड जो ना, समझे, इट कैन फ्लाई बैकवर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसा परिंदा जो बैकवर्ड उड़ता है, पीछे की तरफ उड़ता है, वो आप जो आपके पास है हमिंग बर्ड है, ठीक है जी। कीवी बर्ड क्या जी, कीवी बर्ड जो है ना, ये वीक आई साइट, इसकी नज़र बड़ी कमज़ोर होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है पेपर में, ठीक है। ब्लाइंड डॉल्फिन फिश, वो कहाँ पर पाई जाती है, इंडस रिवर में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ठीक है। उसमें लार्जेस्ट मैमल कैसे, ऐसे जानवर जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो सबसे बड़ा मैमल कौन सा है जी, ब्लू व्हेल, 13 मीटर लॉन्ग होती है, फाउंड इन श्रीलंका, ठीक है, समझ आ गई जी। उसके बाद कहते हैं प्लेटपस जो है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या है, ये एक मैमल है, ठीक है, समझ आ गया जी। बर्ड्स मेनली फाउंड इन, जो आपके पास बर्ड जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है जी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और हार्ड ब्लडेड एनिमल के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपने जो ना कैन नॉट कंट्रोल दी टेम्परेचर, जो अपनी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं, कैन कंट्रोल दी टेम्परेचर, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, ठीक है जी, समझ आ गया जी। जो अपना जो टेम्परेचर है ना, अपने जिस्म का टेम्परेचर जो है, वो उसको क्या करते हैं जी, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जो जो आपके पास आपने देखा होगा
जो आपके पास परिंदे हैं ना, परिंदे सख्त सर्दी में भी जनाब ओपन एयर में रह रहे होते हैं और सख्त गर्मी में भी ओपन एयर में रह रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई कोई भी जानवर है ना, आपके भेड़ है, बकरी है, बुफालो है, कौ है, डॉग है, कोई भी आपके पास पेट आपने रखा हुआ है, आपका जो जानवर है ना वो थोड़ी देर भी सर्दी में बाहर रह जाए ना, कहीं एक रात भी सर्दी में बाहर रह जाए तो उसको सर्दी लग जाती है, वो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स आपके हैं ना, बर्ड्स हैं, बर्ड्स को आप सर्दी में गर्मी में कहीं भी छोड़ दें तो वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो अपना टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया जी, क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आपके पास यदि कोल्ड ब्लडेड यानी कि अपना टेम्परेचर जो है ना ये कंट्रोल नहीं कर सकते, और वार्म ब्लडेड अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो बोलने में शायद मैं इसको उलट बोल गया हूँ, इसको आपने पढ़ के देख लेना, ये लिखा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, उसको पेंगोलिन, पेंगोलिन क्या जी, आपके पास है इलीगली ट्रेडेड एनिमल। ठीक है, इस एनिमल की ट्रेड आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसमें होबारा बस्टर्ड, होबारा बस्टर्ड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन समर। ठीक है, जो गर्मियों में होबारा बस्टर्ड जो है ना ये रशिया की तरफ से जनाब पाकिस्तान में जनाब ये परिंदे जो होते हैं ना ये माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एनिमल्स के ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये इनके वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैमल्स कौन से होते हैं जी, मैमल्स आर एनिमल्स डैट हैव हेयर, आर वार्म ब्लडेड एंड ड्रिंक मिल्क वैन दे आर बेबीज। ठीक है जी, क्या जी मैमल्स कौन से होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जनाब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या वो जब खुद बच्चे थे तो उन्होंने दूध पिया होता है अपनी वालदा का। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैमल्स होते हैं, ये मैमल्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। अब मैमल्स में देख लें कौन कौन से आपके पास हैं जी, आपका कैट है, या आपके पास जो है ना, या आपके पास यहाँ पे ये शीप नज़र आ रही है, आपको एलिफेंट नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आपके पास जो मैमल्स वगैरह डॉल्फिन नज़र आ रही है। ठीक है, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं जी, रेप्टाइल्स हैव स्केल्स, जो ना ब्रीथ एयर, आर कोल्ड ब्लडेड एंड यूजुअली ले एग्स ऑन लैंड। ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर अंडा देते हैं, ये ज़मीन के ऊपर अंडे देते हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये रींगने वाले जानवर होते हैं, रींगने वाले जानवर। ठीक है जी, समझ गए। एम्फीबियंस कौन से होते हैं जी, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस स्पेंड पार्ट ऑफ दियर लाइव्स इन वाटर एंड पार्ट ऑन लैंड एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। क्या जी, एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो आपके पास है, अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जनाब वाटर में गुजारते हैं, कुछ हिस्सा अपनी ज़िंदगी का वाटर से बाहर यानी कि ज़मीन पे लैंड पे गुजारते हैं। इनमें आपके पास ये मेंढक नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, आप जो ये मेंढक वगैरह जो है ना, जो आपके पास ये छिपकली वगैरह जो है ना, ये क्या होते हैं, ये कभी पानी में चले जाते हैं, कभी पानी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिश वगैरह होते हैं, फिश क्या होती है जी, फिश लिव इन वाटर, हैव गिल्स ऑन ब्रीथ, स्केल्स एंड फिन्स ऑन दियर बॉडीज एंड आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है जी, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी जनाब अपना जो टेम्परेचर है ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स क्या जी आपके पास, आर्थ्रोपोड्स आर मोस्ट न्यूमरस एनिमल्स ऑन अर्थ, दे हैव एन एक्सोस्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी एंड जॉइंट लेग्स, दे डू नॉट हैव बैकबोन एंड आर कोल्ड ब्लडेड। ये आर्थ्रोपोड जो है ना, ये आपके पास जिनको हशरात कहते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, इनके पास ज़्यादा टांगे होती हैं, ठीक है, और इनकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आपने तितली वगैरह जो पकड़ी होगी कभी कभार अपनी ज़िंदगी में, तो आपने देखा होगा इसके अंदर किसी किस्म की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है जी, तो ये आपके पास है जी, ये आपने मोलस्क से, मोलस्क आपके पास कहते हैं, मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड मैनी हैव हार्ड एक्सटर्नल शेल्स। ठीक है, इनके ऊपर जनाब कुछ के ऊपर हार्ड शेल होता है और कुछ के ऊपर शेल नहीं होता उनकी फास के लिए। ठीक है, फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स आपके पास है, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, हैव विंग, फीदर अ बीक एंड दियर बेबीज हैच फ्रॉम एग्स। ठीक है जी, जिनके बच्चे अंडे से निकलते हैं वो आपके पास क्या हैं जी, वो आपके पास हैं बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास सारा टेबल है ना, इसमें से आपने कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के वाला से इनको आपने याद कर लेना है कि कौन से एनिमल जो है ना आपके पास वार्म ब्लडेड है और कौन से एनिमल्स आपके पास है कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं और वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, वो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया। ठीक है, समझ आ गया जी, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ठीक है, इनको आप इस तरह से याद कर लें कि वार्म ब्लडेड जो है ना, वार्म ब्लडेड क्या जी, वार्म ब्लडेड वो हैं कि जनाब जिनको सर्दी नहीं लगती, जिनको सर्दी नहीं लगती वो वार्म ब्लडेड है, वो गर्म है, जिनका खून गर्म है। और कोल्ड ब्लडेड वो हैं जिनको गर्मी लग जाती है, जिनको सर्दी लग जाती है, अगर सर्दी में वो बाहर रात को रह जाएंगे किसी धुंध वगैरह में या बर्फ़ में, तो वो जनाब मर जाएंगे, उनको सर्दी लग जाएगी, तो वो कोल्ड ब्लडेड हैं। ठीक है, उनको सर्दी लग जाती है, और जो वार्म ब्लडेड उनको सर्दी नहीं लगती, वो जनाब क्या होते हैं, वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो खास तौर पर ये वाला टेबल जो है ना, आपने इसको आपने याद करना है, जो आपकी स्टडीज़ हैं साइंसिस के वाले से, मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं वो आपने याद कर लेनी है, बाकी आप बायोलॉजिकल साइंसिस के वाले से, आपका बेसिक लेक्चर था
कल से इंशाल्लाह ताला इसको हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, 4 से 5 लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके, अभी इसको भी हम सारा के सारा कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।